हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ही धमाल और कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे प्यारे बच्चों को विश करने के लिए प्यारी प्यारी विशेस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास सा फैक्ट भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स, विश यू अ यम यम यमी बर्थडे। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है फ्रेंड्स कि आपको मजेदार जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बच्चों को टेस्टी और यमी चीजें काफी ज्यादा पसंद होती हैं, तो अगर आप बर्थडे विशेज को भी यमी ढंग से ही विश करेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बल्ले बल्ले इट्स योर बर्थडे, A million magic wishes to you। इस फ्रेज में जो फ्रेंड्स बल्ले बल्ले लिखा है, ये एक पंजाबी शब्द है और इसका मतलब होता है खुशियाँ मनाना, और इंग्लिश में समझ लीजिए जैसे हिप हिप हुर्रे। तो आप चाहें तो हिप हिप हुर्रे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट बल्ले बल्ले ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इस फ्रेज में यूज़ किया। तो इसका मतलब ये है कि खुशियाँ मनाओ कि आज तुम्हारा बर्थडे है और आपको लाखों जादुई विशेज, यानी आपको लाखों जादुई शुभकामनाएं। तो बहुत ही ऑसम सा फ्रेज है, आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शेक योर लेग्स डांस विद जॉय, इट्स योर बर्थडे फुल एंजॉय। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है कि अपने पैरों को हिलाओ और मस्ती में डांस करो, ये तुम्हारा बर्थडे है और इसको पूरा एंजॉय करो, यानी पूरी तरीके से इसका आनंद लो। तो बहुत ही प्यारा सा फ्रेज है, आप इसे चाहें तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अ बिग वॉर्म जंबो हग, ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है कि एक गर्म जोशी और बड़ा सा हग आपको बेशक, क्योंकि आज आपका बर्थडे है। तो इस फ्रेज का मतलब है फ्रेंड्स कि एक बहुत बड़ा सा गले लगना, वो भी गर्म जोशी वाला। यहाँ पर इसका सेंस ये है कि आपको बहुत ढेर सारा प्यार, यानी बहुत बड़ा वाला आपको प्यार, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। यानी डेली तो हम आपको प्यार करते हैं, लेकिन आज आपका जन्मदिन है तो आज आपको ढेर सारा प्यार। तो आप चाहें तो इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप हैप्पी बर्थडे के साइड में जिस भी क्यूट नेम से उनको बुलाते हैं वो भी आप लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए, जो कि हमारी भाषा नहीं समझ सकते हैं। तो अगर उनका बर्थडे है तो आप उनको बर्थडे विश करने के बजाय उनके पेरेंट्स को आप बर्थडे विश कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो भी विशेज आपने उन बच्चों के लिए भेजी है, उनके पेरेंट्स आसानी से अपने बच्चों तक उसे पहुँचा देंगे, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स की भाषा आसानी से समझ जाते हैं, और खासकर बच्चे माँ की भाषा ज्यादा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरीके से विश कर सकते हैं, जैसे योर लिटिल डार्लिंग इज वन एंड देयर इज नो स्टॉपिंग द फन, हियर इज विशिंग योर बेबी अ वंडरफुल बर्थडे। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि अगर बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है तो आप इस तरीके से वंडरफुल लिखिएगा, अदरवाइज उनका अगर सेकेंड या थर्ड बर्थडे है तो आप वंडरफुल की स्पेलिंग जो राइट होती है उसे लिखिएगा। ये थोड़ा क्रिएटिव और थोड़ा यूनिक लगे, इसलिए ऐसा लिखा गया है। और इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है फ्रेंड्स कि ये जो आपका नन्हा सा बच्चा है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और हम कामना करते हैं कि ये कभी भी मौज मस्ती करना ना बंद करे, यानी ऐसे ही मज़े करता रहे, और हम उसको उसके शानदार जन्मदिन की शुभकामनाएँ दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट है, हैप्पी बर्थडे टू योर एडोरेबल बॉय और गर्ल, ही और सी इज द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट यू एवर रिसीव्ड। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है कि आपके प्यारे से बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं, और ये जो आपका प्यारा सा बच्चा है, ये सबसे शानदार उपहार है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी उपहार पाए हैं उनमें से सबसे ये शानदार है। और फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग बॉय गर्ल और ही और शी का यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फॉर योर बर्थडे आई विश यू अनइमेजिनेबल जॉय एंड एंडलेस हैप्पीनेस, हैप्पी बर्थडे टू योर डॉल और सुपर हीरो।
अगर वो लड़की है तो डॉल, अगर वो लड़का है तो आप हीरो सुपर हीरो का यूज़ कर सकते हैं, या आपको और भी कुछ अच्छा आता हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है फ्रेंड्स कि आपके जन्मदिन के लिए, यानी आपके जन्मदिन पर मैं कामना करती हूँ या मैं कामना करता हूँ कि आपको अकल्पनीय आनंद मिले, यानी ऐसा आनंद जिसकी कल्पना ना की जा सके, और आपको कभी ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ मिले, और आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं गुड़िया या सुपर हीरो। तो बहुत ही ऑसम सा फ्रेज है, आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो मैं विशेष बताने जा रही हूँ उसे आप एज अ पेरेंट्स यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप अपने बच्चे को बर्थडे विश करने जा रहे हैं और आप उनके माता पिता हैं तो इन विशेष का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट है, यू आर माई सन, माई मून, माई स्टार, माई यूनिवर्स, हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है फ्रेंड्स कि तुम मेरे चांद हो, तुम मेरे सूरज हो, तुम मेरे तारे हो, तुम पूरी दुनिया हो मेरे लिए, और इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही प्यारा सा फ्रेज है, आप चाहें तो अपने बच्चे के लिए इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यू मेक ईच डे स्पेशल, मे योर डे बी एज स्पेशल एज यू आर, हैप्पी बर्थडे, कीप शाइनिंग। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है फ्रेंड्स कि आपने हमारे हर एक दिन को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यानी खास बना दिया है, और हम आपके लिए कामना करते हैं कि आपका ये जो आज का खास दिन है वो बिल्कुल आपकी तरह ही खास हो, यानी स्पेशल हो। आपको जन्मदिन की बधाइयाँ और आप हमेशा चमकते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात कर लेते हैं ऑसम से फैक्ट की, लेकिन उससे पहले आपसे इतना कहना है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी नेहा बी पावरफुल के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और भी हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करने में कंजूसी मत किया कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब खास से फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फैक्ट ये है कि हम सभी लोग म्यूजिक सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक अच्छा गाना हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है, इसी के साथ हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें फैक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, फैक्ट ये है कि हम सभी लोगों को थोड़ी बहुत म्यूजिक की समझ है, इसलिए हमें अच्छा म्यूजिक काफ़ी अच्छा फील कराता है। लेकिन क्या आपको पता है कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी म्यूजिक अच्छा फील कराता है? तो हाँ फ्रेंड्स, अगर माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा 16 से 17 हफ्ते का है, कहने का मतलब है 3 से 4 महीने का हो चुका है, तो ये म्यूजिक उस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। ये म्यूजिक उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो फील कराता ही कराता है, साथ ही साथ उसके दिमाग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कहने का मतलब है, उसके दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है, यानी दिमाग का विकास काफ़ी तेज़ी से वो करता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहा बच्चा म्यूजिक पर अपने हाथ पैर को भी चलाता है, यानी म्यूजिक पर रिएक्ट भी करता है, और गर्भ से बाहर आने के बाद जब आप उस म्यूजिक को उसके सामने चलाते हैं ना, तो उसे याद रहता है कि वो इसे ऑलरेडी सुन चुका है। तो है ना कमाल का फैक्ट। तो आई होप फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।